हनुमान बेनीवाल की आरएलपी अशोक गहलोत से सिंचित पार्टी है। नागौर और खींवसर में किसके कहने पर काम हो रहे हैं और कांग्रेस में ईमानदारी से काम करने वालों का हश्र हमेशा बुरा होता है। वहीं अगर कोई छोटी मोटी बात और शिकायत हो तो हर शिकायत फर्स्ट फैमिली यानी कि गांधी परिवार को करनी पड़ती है, जो संभव नहीं है। यह इतने बड़े आरोप हैं, आरोप लगाने वाली है पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, जो कि हाल ही भाजपा में शामिल हुई है और भाजपा में शामिल होने के कुछ दिन बाद उन्होंने यह आरोप लगाए हैं कि आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सिंचित पार्टी है। यानी कि उनका साफ साफ कहना है कि आरएलपी को पूरी सहायता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं और उन्होंने विस्तार से सब चीजें बताई और कहा कि किस तरह से यह बात साबित होती है कि आरएलपी अशोक गहलोत की ओर से सिंचित पार्टी है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि हरीश चौधरी भी ये बात कह चुके हैं, सचिन पायलट भी ये बात कह चुके हैं। ऐसे में यह बहुत स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल को पनपाया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। और इससे भी बड़ा दावा ज्योति मिर्धा ने जो किया है वह उसका असर अगर होता है तो 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस को काफी सीटों पर बहुत बड़ा डेंट होने की पूरी संभावना है। ज्योति मिर्धा का कहना है कि अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच में कांग्रेस पार्टी में जो समझौता दिख रहा है वह सिर्फ दिखावा है और 2023 विधानसभा चुनाव तक ही यह नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ ज्योति मिर्धा ने कहा है कि आप देख लेना, जो बात मैं कह रही हूं वह साबित होगी जब सचिन पायलट के जो भी उम्मीदवार होंगे उनके सामने आरएलपी के उम्मीदवार अशोक गहलोत के कहने से उतारे जाएंगे ताकि सचिन पायलट खेमे के लोग चुनाव हार जाएं। यह बहुत बड़ा आरोप है ज्योति मिर्धा का। ज्योति मिर्धा की राजनीतिक एंट्री की बात करें तो ज्योति मिर्धा की राजनीतिक एंट्री बहुत अचानक हुई थी जब उन्हें नागौर से कांग्रेस पार्टी का सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला था और पहले चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि वे एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं, नाथूराम मिर्धा परिवार। नाथूराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा परिवार मारवाड़ की राजनीति में बहुत बड़े नाम हैं और दोनों परिवार फिलहाल कांग्रेस में एक तरह से हाशिए पे माने जा सकते हैं। हालांकि हरिंदर मिर्धा को खींवसर में उपचुनाव में उस समय टिकट दिया गया था जब हनुमान बेनीवाल सांसद बनकर दिल्ली चले गए थे, उसके बाद में जब खींवसर से उपचुनाव हुआ तब हरिंदर मिर्धा को मौका मिला था लेकिन वे चुनाव हार गए थे। उस चुनाव का भी हवाला ज्योति मिर्धा ने दिया और कहा कि उस समय मेरे हाथ में नागौर का संगठन था और उस दौरान में हरीश चौधरी नागौर के प्रभारी थे। मैंने खींवसर उपचुनाव में ईमानदारी से काम किया लेकिन उस ईमानदारी से काम करने का हश्र क्या हुआ यह आप सभी लोगों के सामने है। लेकिन सारी बातें पीछे छूटती है, सबसे बड़ा आरोप जो ज्योति मिर्धा का है कि अशोक गहलोत आरएलपी को सिंचित कर रहे हैं यानी कि उसकी मदद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नागौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कहने से काम नहीं होते जबकि आरएलपी के कहने से काम होते हैं। वहीं रुकी नहीं ज्योति मिर्धा, इसके अलावा उन्होंने चेतन डूडी जो डीडवाना से कांग्रेस के विधायक है उन पर भी आरोप लगाया, उनके स्वर्गीय पिता पर भी आरोप लगाया और कहा कि मेरे चुनाव में चेतन डूडी ने खिलाफत की थी, उससे पहले जब संसदीय चुनाव में लड़ रही थी उससे पहले उनके पिता रूपाराम डूडी ने भी मेरी खिलाफत की थी। यानी कि कुल मिलाकर ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर जब भाजपा में शामिल हो गई हैं तो अब उनके निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल के हाथों संसदीय चुनाव में ज्योति मिर्धा की हार हुई थी, वह उस स्थिति में हुई थी जब हनुमान बेनीवाल और भाजपा का गठबंधन था, उस गठबंधन के तहत आरएलपी को सीट दी गई थी, आरएलपी की सीट मिली थी तो हनुमान बेनीवाल गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीत कर गए थे, बाकी राजस्थान की 24 सीटों पर भाजपा जीती थी। इस तरह से
पिछले लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें भाजपा या भाजपा गठबंधन के खाते में गई थी। और ज्योति मिर्धा के लिए कहा जाता है कि पिछले लंबे समय से वे कहीं भी पार्टी के कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रही थी, कांग्रेस में नजर नहीं आ रही थी। वहां उनका यही कहना है कि कांग्रेस में जब काम नहीं हो, अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो, अपने नेताओं का काम नहीं हो, तो गिल्ट फील होता है। ऐसे में छोटी मोटी शिकायतें करने के लिए भी कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी कि उनका इशारा था गांधी फैमिली की ओर जाता है। यह तो आरोपों की बात हुई, ये आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। दरअसल ज्योति मिर्धा हाल ही बीजेपी में गई हैं, इसलिए वे आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस तरह के आरोप उस वक्त भी लगे थे, उस वक्त लोगों ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं उस वक्त हुई थी जब 3 उपचुनाव हुए थे। तो आपको ध्यान होगा कि एक चुनाव हुआ था वल्लभ नगर में, एक चुनाव हुआ था राजसमंद में, एक चुनाव हुआ था सहाड़ा में और एक चुनाव हुआ था सुजानगढ़ में। कुल मिलाकर ये 4 उपचुनाव जब हुए थे, उन उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त कहा गया था कि यह सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार उम्मीदवार उतारे गए हैं ताकि कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिल सके। उस समय सबसे बड़ा आरोप तो सहाड़ा से लगा था, जब सहाड़ा सीट पर एक गुर्जर उम्मीदवार लगातार अपनी तैयारी कर रहे थे आरएलपी के बैनर पर। लेकिन जब सहाड़ा चुनाव हुआ तो आरएलपी के उस उम्मीदवार को वहां से टिकट देने के बजाय सीधा राजसमंद शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि तैयारी तो उन्होंने दूसरी सीट पर की और चुनाव लड़ने दूसरी सीट पर भेज दिया। उस समय ये चर्चाएं हुई थी कि हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत का कहीं आंतरिक समझौता हुआ है, उस हिसाब से उस उम्मीदवार को वहां से हटाकर और राजसमंद भेज दिया गया है। वहीं इसी तरह का आरोप लगा था सुजानगढ़ के उपचुनाव में, कहा गया कि सुजानगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के मेघवाल उम्मीदवार थे क्योंकि वह सीट SC के लिए रिजर्व है, यदि हनुमान बेनीवाल भी मेघवाल को टिकट देते तो कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने नायक को उम्मीदवार बनाया और नायक जितने वोट लेके गए उससे भी कम वोटों के अंतराल से कांग्रेस की जीत हुई, लगभग आधे के लगभग वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज कुमार चुनाव जीते थे। वहीं हाल ही जब सरदार शहर में उपचुनाव हुआ तब भी कहा गया कि जाट वोटर कांग्रेस के खिलाफ जा सकता था। ऐसे में जो उम्मीदवार आरएलपी की ओर से उतारा गया वह जाट वोटों को लेकर गया और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल कुमार की जीत हुई। कुल मिलाकर इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं पहले भी होती रही है, लेकिन वह चर्चाएं आपस में होकर रह गई, कहीं कयास होकर रह गए। लेकिन अब चूंकि आरोप ज्योति मिर्धा लगा रही हैं और इससे पहले आपको याद होगा कि हरीश चौधरी कांग्रेस के विधायक है, पंजाब के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नागौर के प्रभारी रह चुके हैं और उनकी भी हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के साथ में सीधी टकराव की स्थितियां कई बार बनी है और उन्होंने भी सीधे तौर पर तो नहीं कहा लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जरूर यह कहा है कि आरएलपी को कौन पनपा रहा है सब जानते हैं, सब समझते हैं। यानी कि हरीश चौधरी का इशारा भी कहीं ना कहीं इसी तरह का था, जिस तरह का इशारा, जिस तरह के आरोप स्पष्ट रूप से ज्योति मिर्धा ने लगाए हैं। और ज्योति मिर्धा ने इसके अलावा यह और कहा है कि लोग कहते हैं कि बाकी मिर्धा परिवार का अब क्या होगा, बाकी मिर्धा परिवार अगले चुनाव में क्या करने वाला है। तो ज्योति मिर्धा का कहना है कि इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपके सामने सब कुछ होगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि अभी आचार संहिता लग जाने दीजिए, उसके बाद बहुत बड़े राजनीतिक घराने भाजपा में शामिल होने वाले हैं। वहीं उसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के बयान को कोट किया, जिस बयान में राहुल गांधी ने यह कहा था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, तेलंगाना भी हम जीतेंगे लेकिन राजस्थान में नजदीकी मुकाबला है। इस बात को कोट करते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह मान लिया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कहा है कि भाजपा को यह बात बता देनी चाहिए कि यदि उनकी सरकार आई तो हमारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। यानी कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मान चुके हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आने वाली है।
कुल मिलाकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप और बहुत सारी बातें ज्योति मिर्जा ने कही है। हालांकि जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे जो नेता जिस बड़े नेता से दुखी है या उससे दबा हुआ रहा है, निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप निकल कर आएंगे। लेकिन नागौर की राजनीति में मिर्जा परिवार का वर्चस्व कभी भी खत्म नहीं हुआ था। भले ही पिछला चुनाव ज्योति मिर्जा हार गई थी, लेकिन उससे पहले ज्योति मिर्जा की एंट्री हुई थी तो पहला ही चुनाव उन्होंने दमदार तरीके से जीता था। अब वे भाजपा में है और स्पष्ट कहा है कि वे सांसद का चुनाव लड़ेंगी या विधायक का चुनाव लड़ेंगी, इसका फैसला भाजपा का आलाकमान करेगा। वे जैसा चाहेंगे वो चुनाव में लड़ूंगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यदि विधायकी का चुनाव उन्हें लड़ाया जाता है तो उनकी पहली पसंद खींवसर होगी। दरअसल अब खींवसर का नाम वे इसलिए लेती हैं कि वह हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है खींवसर को। ऐसे में ज्योति मिर्जा चाहती हैं कि भाजपा यदि उन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाए तो खींवसर से लड़वाए, क्योंकि वे उस बात का जवाब भी देना चाहती हैं जिसमें हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया था कि ज्योति मिर्जा राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। ऐसे में ज्योति मिर्जा चाहती हैं कि उन्हें खींवसर से चुनाव लड़वाया जाए और उस चुनाव में वे हनुमान बेनीवाल को चुनौती दें, और उस चुनौती में अगर वे जीत जाती हैं तो हनुमान बेनीवाल को उस बात का जवाब मिल जाएगा जिसमें कि वे कहते हैं कि ज्योति मिर्जा राजनीतिक रूप से कमजोर है। वैसे नागौर की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यदि ज्योति मिर्जा भाजपा में गई हैं तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में नागौर में कुछ और बड़े राजनीतिक लोग भाजपा के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नागौर में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी, इस बार मामला उलट सकता है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा होने में देरी है, चुनाव आयोग आज राजस्थान आया है, 3 दिन का दौरा करने के बाद वह जाएगा और करीब 8-9 तारीख के आसपास आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। और उस संभावना के बाद जब आचार संहिता लग जाएगी तो क्या ज्योति मिर्जा के कहे अनुसार बड़े राजनीतिक परिवार कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं? और अगर ऐसा होता है तो निश्चित मानिए कांग्रेस के लिए जो बातें कही जा रही है, राहुल गांधी ने जो नजदीकी मामला कहा है राजस्थान में मुकाबले का, उस नजदीकी मुकाबले में अब और बड़ी खाई बन सकती है कांग्रेस के लिए। और ऐसा होता है तो निश्चित मानिए चुनाव की इस बेला में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है।